हे फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट सन विद निशु। और मैं हूँ निशु। सो गाइस, कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। और आज तो यहाँ पर बहुत ठंड है, कल थोड़ा सा धूप हुआ था बट आज एकदम ही धूप नहीं हुआ है। और रियो है अपने बुआ लोग के साथ खेल रही है, आंटी जी लोग भी आए थे बट वो लोग चले गए हैं। और रियो है जो मतलब अपनी बुआ को जाने नहीं दी है। चलिए देखते हैं रियो क्या कर रही है। ये बुआ को बोलो डांस करने के लिए था। रियो पापा है, पापा रियो देखो कौन आया। आते आते सबसे पहले हैंड सैनिटाइज। वाह, गुड गुड हैबिट। खीर खाने मखाना का बना दो। देखिए कौन उतर के आया। कौन है? खीर बनाओ। खीर ठीक है, बनाते हैं। अभी नाथ जी चाय पीजिएगा, बना दे। ये क्या था? अच्छा बाबू और अभी शाम तो अगेन मैं बना रही हूँ शाम का चाय। ये बन गया चाय। अविनाश जी आपकी चाय आप लीजिए। इतना ज्यादा बना दिए तो ये तो चाय नहीं पीते। चल लीजिएगा। सोनू कहाँ है? बाबा छोड़ो मुझे, सुबह में आ सोनू में क्या सोच रहा है? तू स्कूल में लेगा वैसे ही ना। नहीं नहीं वो ना मेरे परेशान है उनका। जब मैं तू बाहर उधर है नहीं सुबह जब वो मैं सुबह आ सोनू मैं छोड़ दे दे हम बोल दे दे आप भी ना वही में अविनाश जी के शादी का बात कीजिए। अविनाश अविनाश जी बताइए आपको कैसी लड़की चाहिए? लड़की रहे बस। पढ़ी लिखी अनपढ़ मतलब कैसे? बस लड़की रहे। तो लड़के से थोड़ी भरोसा नहीं, ऐसा ज्यादा जनरेशन हो सकता है। और बस लड़की रहे। अरे आगे की जनरेशन क्या पता, बबिया जब तक बड़ा होगी तब तक लड़की से शादी करेगी कि लड़की से नौकरी वाला। कैसे चाहिए, नौकरी वाली या हाउस वाइफ? मतलब किस लिए बन रही है? जाएगा लड़की वाले के पास शायद कहीं कोई होगी जो हो जाएगा ना बाबू। हाँ हाँ बाबू क्या करवाइएगा? अब कोई सवाल जवाब नहीं बोल दो बाबू, नो कमेंट्स। ये है प्रसाद। ये क्या खिचड़ी? इधर खिचड़ी भी प्रसाद के रूप में मिलता है। इसमें भी क्या? वही तो है, वही खाना है। कोई नहीं खाया। पहले म्याऊ बोल के देखा हमको। पहले म्याऊ बोल के कौन सी का पसंद है मुझे? खिचड़ी। कौन सी कपूर था? अनुकूल था भगवान। आपको हम आ रहे हैं। आप आ रहे हैं सनातन धर्म का? आ रहे भगवान को पूजा उजा नहीं करते? क्या बोल रहे हैं? हम तो करते हैं। अभी अभी जो प्रसाद खाए वो कौन भगवान का है?
अनुकूल ठाकुर। क्या कौन भगवान है? कौन था? भगवान नहीं पता। भगवान नहीं है, भगवान है। क्या है? बाबा ना कोई नाम बाबा कैसे बोले? जैसे कभी धर्म होता है, कभी कभी आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे देश में 2 करोड़ भगवान है। हाँ। तो उसमें से एक भगवान ये भी है अनुकूल ठाकुर। कौन भगवान है ना जो जातर इंसान है? सब लोग यहाँ पे प्रसाद खा रहे हैं। कभी भगवान को पूजा भी नहीं, मतलब मूर्ति उठी का पूजा नहीं। देखिए क्या लेके आए। तो अभी जा रहे हैं मखाना का खीर बनाने, क्योंकि सब लोगों को मखाना का खीर खाने का मन किया है। यह मखाना सबसे पहले मैं यहाँ पे मखाने को रोस्ट कर रही हूँ। मैंने कढ़ाई में घी वगैरह कुछ नहीं डाला था, बस कढ़ाई में सीधे मखाना डाल के और रोस्ट करना है इसे। क्या बन रहा है? मखाना। अच्छा लगता है आपको? बहुत ठीक है, बहुत अच्छा है। तो एक तरफ मैंने मखाने को रख दिया है रोस्ट होने के लिए और दूसरी तरफ दूध चढ़ा दे रही हूँ, इसी में खीर बनाऊंगी। तो मखाना जो है ज़्यादा दूध अब जॉब नहीं करता और बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि हम लोग इसको पहले ही रोस्ट कर चुके होते हैं। तो इसलिए पहले दूध को रिड्यूस करके फिर उसमें मखाने को डालेंगे। तो देखिए मखाना अच्छे से भून चुका है, बहुत अच्छे से टूट रहा है, मतलब इजिली यह जो है टूट जा रहा है। तो हमारा मखाना रोस्ट हो चुका है, मैंने यहाँ पे गैस को कर दिया ऑफ। और देखिए मैं इधर खीर बना रही हूँ, तब तक प्रीति जी यहाँ पे आटा लगा दे रही है। बुआ भगा दी है तो सेकने लगी। प्रीति ने बोल के रही थी आपका आटा कहीं लगे। हाँ प्रीति जी। तो मखाना तो भून चुका है और यहाँ पे मैंने दूध भी लगा दिया हुआ है, सॉरी चढ़ा दिया हुआ है। तो दूध जब तक हो रहा है मैं सब्जी वगैरह काट ले रही हूँ, क्योंकि सब्जियाँ भी तो बनानी है। तो यहाँ पे मैं फसल से काट रही हूँ। आप लोग बताओ, आप लोग मतलब जो जिसे मैं काट रही हूँ उसको आप लोग क्या बोलते हो? हम लोग के यहाँ पे फसल बोलते हैं। गोभी हो गया, ब्रोकली, साग, ये सब ना मैं फसल से काटती हूँ क्योंकि जल्दी से कट जाता है। और यहाँ पे देखिए मखाना को ना मैंने दरदरा पीस लिया है एकदम। आपको मिक्सी को ज़्यादा नहीं चलाना है, नहीं तो यह जो मखाना है पाउडर बन जाएगा। तो हमें पाउडर नहीं बनाना है, ऐसे ही मतलब थोड़ा सा इसको तोड़ लेना है। आप चाहो तो हाथ से भी तोड़ सकते हो, बट हाथ से थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और दूध देखिए, दूध अच्छा खासा रिड्यूज हो चुका है। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ मखाना और मतलब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फिर 4-5 मिनट इसको अच्छे से मिलाऊँगी चलाऊँगी। और जब खीर हमारी पक जाएगी तो लास्ट में हम चीनी डालेंगे, बट मैं इसमें गुड़ डालूंगी। तो ये देखिए ये खजूर गुड़ है, तो इसको डालने से पहले मैं तोड़ लूंगी ताकि आइडिया मिले कि हाँ मतलब तो गुड़ कितना होगा। मेरे यहाँ पे सारे लोग मतलब थोड़ा कम मीठा खाते हैं, तो इसलिए मैंने मम्मी जी को बुलाया था पूछने के लिए कि कितना गुड़ डालो। तो मम्मी जी ने बता दिए, मुझे उतना आइडिया नहीं था। और देखिए मैंने गैस को भी ऑफ कर रखा है, उसके बाद इसमें गुड़ डाला है। ये बन गया हमारा खीर। रियो बुआ से पढ़ाई कर रही हो? हाँ, बुआ पढ़ा रही है इसका। बाबू भी पढ़ रहा है। बाबू ये कौन सा लिखा है बताओ? बुआ।
कैसा लग रहा है? खाते कम लगाते ज्यादा है। बाबू का पूंछ कैसा लग रहा है? बढ़िया। आपको?